वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग लगातार आ रही हैं और सच में करना भी चाहिए। और एक अच्छी ट्रेनिंग आपके करियर को कहां से कहां ले जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट, जिससे कोई भी ट्रेनिंग मिस ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ना चले और वही ट्रेनिंग आपके रेलिवेंट हो। तो इसलिए सारी ट्रेनिंग अब रेगुलर अपडेट होंगी इस पेज पे। और अभी दो लेटेस्ट ट्रेनिंग है जो मैंने अपडेट की है, तो चलिए उसको जल्दी से देखते हैं। तो जब आप मेन पेज पे आएंगे, यू हैव टू गो टू योर सेक्शन विच इज पीएचडी एंड रिसर्च, रिसर्च रिलेटेड या पीएचडी कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप का टैब है, तो कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप पे रेगुलर इससे पहले मैं 3 डाल चुका था, कॉन्फ्रेंस 1। जिसने नहीं देखा हो वो इसका सारा डिटेल देख लेना। अभी डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उसके बाद सेकेंड थी जीन रेगुलेशन की आईएसआर पुणे की, उसका भी फुल डिटेल है, एक ही क्लिक में आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और क्या उसमें होने वाला है ये सब कुछ मिल जाएगा। थर्ड ट्रेनिंग थी समर ट्रेनिंग बायोटेक एनिमल्स हेल्थ कल्चर पे, ये बहुत लंबी ट्रेनिंग है, इसको भी कर सकते हो आप। और अब जो लेटेस्ट ट्रेनिंग जो कल ऐड किया है, दिस इज द कॉल फॉर रजिस्ट्रेशन R&D इक्विपमेंट। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है R&D इक्विपमेंट समझने के लिए। अगर R&D इक्विपमेंट्स अगर आपको आते हैं तो यू आर एलिजिबल टू गो इन इंडस्ट्रीज, इन एनी R&D इंडस्ट्रीज, बिकॉज इफ यू नो अबाउट द इक्विपमेंट्स देन यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर एनी जॉब रिलेटेड टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ये DST स्तुति का प्रोग्राम है। What is Stuti? It's an adjusted training program utilizing the scientific and technology infrastructure. ये regular होते रहते हैं। तो ये इस समय कहाँ हो रहा है, इसकी theme है understanding of weather, climate and their interaction with ocean, ठीक है। तो ये इसका है और ये हो कहाँ रहा है, आंध्रा यूनिवर्सिटी में। रजिस्ट्रेशन फीस कोई भी नहीं लगने वाली, दैट इज द बेस्ट पार्ट। गूगल फॉर्म का लिंक है, आप इससे रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव यहाँ मेंशन है, जिससे आप पार्टिसिपेट करें और उसके बाद चीज़ों को समझें। मेन थिंग है कि हु आर एलिजिबल, सो फैकल्टी, साइंटिस्ट, पोस्ट डॉक फेलो, PhD फेलो, इंडस्ट्रियल पर्सन, MSc स्टूडेंट, MTech स्टूडेंट्स, यही आप लोग सुनना चाहते थे ना। तो जो लोग एटमॉस्फेरिक केमिकल साइंस फिजिक्स एंड उससे रिलेटेड जो भी आप फील्ड से हैं, यू आर एलिजिबल। सो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, आंध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम, NIT वारंगल, ये दोनों DST फंडेड से मिला के ये ट्रेनिंग हो रही है स्तुति की। अब आप आ जाओ, यहां से आपको पूरा ब्रोशर मिल जाएगा, आप एक लिंक पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट द ब्रोशर। नाउ द फोर्थ विच इज एक्सप्लोरिंग द साइंस विद सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको रन करने आते हैं, उसके बेसिक्स आते हैं, उसके प्रिंसिपल्स आते हैं, देन यू कैन डिजाइन योर एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंगली। बिकॉज आजकल इक्विपमेंट्स इतने डिमांडिंग हो चुके हैं रिसर्च में भी और जॉब प्रोफाइल में भी। सो अगर आपको सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आता है, देन यू कैन गो एनीवेयर, आप तुरंत एडजॉब हो जाओगे किसी भी इंडस्ट्री में फॉर जॉब। सो इसका जो प्रोग्राम डेट्स है वो 21 से 27 जून आने वाला है, तो प्लीज बी रेडी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु इसको करा रही है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो यार एटलीस्ट रजिस्टर कर दो, उस टाइम पे अगर फ्री हो गए तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लेना। एलिजिबिलिटी यही है, मास्टर्स, PhD, इंडस्ट्री पर्सन, कोई लोग भी इसको कर सकते हैं। ये भी DST स्तुति ही करा रहा है। तो ऐसी और वर्कशॉप्स हैं, मैं इसको रेगुलर अपडेट करता रहूंगा। बाकी इसके अलावा कुछ और अपडेट इस पेज पे आप चाह रहे हो या किसी और पेज पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करना, नीचे ही बता सकते हो, यहां पे भी कमेंट कर सकते हो, वेबसाइट पे भी, और इस वीडियो के नीचे भी आप मेरे को कमेंट बता सकते हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे एप्लीकेशन रिलेटेड हो, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। बाय बाय, टेक केयर।